खबर आ रही है। यूपी में जेलों की सुरक्षा व्यवस्था के दावे हवा हवाई हैं। यूपी की जेलों में अधिकारी ही खींच रहे हैं शूट आउट का खाका। फिरोजाबाद जेल में भी था गैंगवार कराने का प्लान। जेलों के अधिकारी कुख्यात अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। जेलों में गुटबाजी बनाकर गैंगवार का खेल कराया जा रहा है। जेलर और अधीक्षक कैदी राइटरों से कराते हैं अवैध वसूली। जेल के उपकारापाल की चिट्ठी ने जेलों की पोल खोली है। जेल में भेजा गया असलहा थर्ड गेट पर कैदी ने पकड़ा है। फिरोजाबाद जेल के जेलर और अधीक्षक पर आरोप लगे हैं। साक्ष्यों के साथ डीजी जेल को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई की मांग की गई है। उप कारापाल की चिट्ठी यूपी सरकार में हड़कंप मचा दिया है। यूपी के डीजी जेल ने मामले पर कार्रवाई की जगह चुप्पी साधी हुई है। यूपी में जेलों की सुरक्षा व्यवस्था के दावे जो हैं हवाहवाई साबित हो रहे हैं। यूपी के जेलों में अधिकारी ही खींच रहे हैं शूट आउट का खाका। फिरोजाबाद जेल में भी गैंगवार कराने का प्लान था। जेलों के अधिकारी कुख्यात अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। अभी बात चिट्ठी के जरिए सामने आई है। जेलों में गुटबाजी बनाकर गैंगवार का खेल जारी है। जेल के उपकारापाल की चिट्ठी ने जेलों की पोल खोली है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता उमेश मिश्रा जुड़ गए हैं। उमेश, और क्या कुछ खास लिखा है इस चिट्ठी में? देश की जेलों की सुरक्षा व्यवस्था के दावों की पोल खुल गई है। आप देखिए जिस तरह से मुख्य जो कारापाल है फिरोजाबाद का, उसने एक असलहा सहित बंदी को पकड़ा। उसके बाद ये पूरा मामला उजागर हुआ। उसमें जिस तरह से कारापाल ने जेलों के अधिकारियों या अपराधियों को संरक्षण देने की बात कही है, साथ ही साथ उनकी जेल में गुटबाजी बनाकर गैंगवार का खेल है, इस बात का भी जिक्र किया गया। साथ ही साथ फिरोजाबाद के जेल उपकारापाल की चिट्ठी में सारी बातें लिखी गई हैं और डीजी जेल को यह पत्र लिखा गया था और साक्ष्यों के साथ पूरे पत्र और साक्ष्य के आधार पर कारापाल ने डीजी जेल को ये पत्र लिखा। और आप सोचिए कि जिस तरह से अभी पूर्व में चित्रकूट में घटना हुई है, जिसमें अंकुल दीक्षित द्वारा जो कैदियों को मारा गया, उसके बाद अंकुल दीक्षित का एनकाउंटर किया गया, लेकिन आप देखिए उदासीनता लगातार निकल कर आ रही है जेल की। जिस तरह से जो जेल के संबंधित अधिकारी हैं उनके दावे ये किए जाते हैं कि सीसीटीवी कैमरों से पूरी जेल को लैस किया गया है, कहीं पे कोई अप्रिय वस्तु अंदर प्रवेश नहीं कोई लेके जा सकता। लेकिन आप देखिए कि आखिर जिस तरह से कारापाल ने ही बंदी को पकड़ा और उसके बाद उसने पूरे मामले को लेकर पत्र लिखा है, तो ये मामला बहुत ही संगीन है। हालांकि जिस तरह से अधिकारियों के बारे में भी उस पत्र में जिक्र किया गया है कि किस तरह से यहाँ के जो अधिकारी हैं उनकी मंशा ठीक नहीं है और कहीं कहीं उनकी मंशा के ही अनुरूप इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि कितना कुछ डीजी जेल इस पे कार्रवाई कर पाते हैं, कितना कुछ उन अधिकारियों पे गाज गिरती है जिन अधिकारियों का नाम इस पत्र में दिया गया है और जिस तरह से कारापाल द्वारा ये आरोप लगाए गए। उमेश, जिस बंदी को पकड़ा गया है और असलहा भी बरामद हुआ है, तो क्या जानकारी है कि गैंगवार की घटना को अंजाम देने की कोशिश थी, कौन कौन शामिल थे इसमें, कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए आप पूरे मामले में जिस तरह से ये पत्र वायरल हुआ है, अब इसमें अधिकारियों के होश उड़े हैं। अधिकारी इस बात पे जोर देकर कह रहे हैं कि पूरे मामले की जांच होगी, लेकिन अगर असलहा लेके कोई जेल के अंदर जा रहा था, जिस तरह से विगत दिनों में घटनाएं हुई हैं, उससे हम आप एक अंदेशा जरूर लगा सकते हैं कि आखिर उस हथियार से क्या कुछ होने वाला था। अब ये तो अधिकारियों को जांच पड़ताल करनी चाहिए कि आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं। जांच पड़ताल करनी चाहिए और एक चिंता का विषय है, एक गंभीर घटना है। उमेश, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको बड़ी खबर बता रहे थे, जहां फिरोजाबाद जेल में असलहा अंदर पहुंचाया जा रहा था जेल के, जिसको जो कारापाल है उन्होंने पकड़ा और उन्हें चिट्ठी भी लिखी है जिसमें तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं जो जेल अधिकारी हैं उनके द्वारा कौन कौन से कारनामे किए जाते हैं, तो जेल के अंदर किस तरह से करप्शन फैला हुआ है उसको लेकर ये पत्र लिखा गया है। और अगली